हेलो एवरीवन, आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ एसिडिटी के बारे में। एसिडिटी को दूर करने के लिए कुछ देसी उपाय से मेरा मतलब ये नहीं है कि नीम हकीम खतरा है जान, पर कुछ ऐसी चीज़ें जो हम आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में भूल गए हैं, बट कुछ ऐसी देसी और आयुर्वेदिक चीज़ें जो बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। सो गाइस, एसिडिटी दूर करने के लिए पहला टिप है, एक छोटा टुकड़ा गुड़ का, गुड़ मतलब जागरी, आप मुंह में रखें और हर घंटे बाद इसको छोटे पीस को मुंह में रखते रहें और उसको धीरे धीरे सक करते रहें। इससे एसिडिटी बहुत जल्दी ठीक होती है। ओके, इसके साथ हम करने जा रहे हैं टिप नंबर 2, कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर यानी नारियल पानी। नारियल पानी बहुत हल्का होता है और साथ ही एसिडिटी को दूर करने के लिए बहुत अच्छा होता है। आप नारियल पानी दिन में 3 से 4 बार पी सकते हैं। लेकिन गाइस, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जिन लोगों को शुगर है, डायबिटीज़ की किसी को प्रॉब्लम है, तो वो प्लीज़ थोड़ा आप अपने डॉक्टर से रेकमेंडेशन लेके ही गुड़ को और इनको कोकोनट वाटर को कंज्यूम करें एक लिमिटेड अमाउंट में, क्योंकि शुगर के मरीज़ों के लिए कितना अमाउंट स्पेसिफिकली ठीक रहेगा वो डॉक्टर ही बेस्ट बता सकते हैं। थर्ड टिप, वाटरमेलन एंड क्यूकम्बर। वाटरमेलन यानी तरबूज, कुकुम्बर यानी खीरा। खीरा और तरबूज को डेली कम से कम एक प्लेट पूरा भर के खाएं। इससे एसिडिटी में आपको पर डे पे आराम मिलेगा। टिप नंबर 4, हरड़। आपने सुना होगा, हरड़ का जूस आप बना लेंगे और 1 से 2 टेबलस्पून डेली लेंगे हर मील के बाद। ये बहुत इफ़ेक्टिव होगा आपकी एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए। वन मोर थिंग कि आप हरड़ के जूस को आंवला के जूस के साथ भी मिक्स कर सकते हैं बराबर क्वांटिटी में। जैसे सपोजिटली आप 1 चम्मच हरड़ का जूस ले रहे हैं तो 1 चम्मच आप आंवले का जूस उसके अंदर मिक्स कर सकते हैं। आंवले का जूस बहुत अच्छा रहता है एसिडिटी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट एंड दिस इज़ माई लास्ट टिप फॉर एसिडिटी, आप हरड़ को मुंह में रख भी सकते हैं। मुंह में हरड़ रखना बहुत ही पुराना नुस्खा है। हाँ, थोड़ा सा हरड़ का टेस्ट थोड़ा सा हल्का सा कड़वा होता है, बट बहुत ही यूज़फुल टिप है ये। आप इन टिप्स में से किसी टिप को करके देखें, रेगुलर बेसिस पे इसको अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में इसको अपनाएं और डेफिनेटली हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको इन टिप्स में से किस टिप से कितना फ़ायदा हुआ और कितने टाइम में फ़ायदा हुआ। सो गाइस, इसी तरह के और टिप्स और मेडिकल प्रॉब्लम्स को लेके मैं लाती रहूँगी। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो।